पाकिस्तान के यंग मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ने टेस्ट क्रिकेट की 150 साल तारीख को हिला के रख दी है। इन्होंने क्या किया और इनके बारे में आईसीसी ने क्या कहा, आपके साथ शेयर करता हूँ। इब्रार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर है जिनको इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शामिल किया गया, पहले टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया और बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि इब्रार अहमद जैसे बॉलर जो इतनी फॉर्म में, जिन्होंने इस सीज़न के अंदर कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर तकरीबन 50 विकटें हासिल किए हैं एक ही सीज़न के अंदर, और इन्हीं पिचेस पे वो बॉलिंग करते रहे हैं, सो इनको पहले ही शामिल कर लेना चाहिए था पहले मैच के अंदर जो हम हारे। पर आईसीसी ने अब इनके बारे में क्या कहा, बहुत ज़्यादा इनके लिए कॉन्फिडेंस इनको मिला होगा और इनके लिए ये चीज़ पहले ही मैच के अंदर, पहले ही इनिंग्स के अंदर जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ICC ट्रिब्यूट टू रिमेंबर इब्रार अहमद हैज़ अ 5 विकेट होल इन द फर्स्ट सेशन। ICC ने कहा कि ये डेब्यू जो है इनका ये सदियों याद रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सेशन के अंदर ही 5 विकेट होल कंप्लीट किया अपने पहले ही मैच के अंदर, अपनी पहले ही इनिंग्स के अंदर। इसके अलावा ESPN क्रिक इन्फो है, उन्होंने कहा कि इब्रार अहमद रिमेंबर द नेम, उन्होंने कहा कि इब्रार अहमद का नाम याद रखना ये फ्यूचर के अंदर क्रिकेट को हिलाएगा, क्रिकेट की तारीख को हिलाएगा और इसी के ही गिर्द क्रिकेट घूमने वाली है, जैसी इस तरह जिस तरह गेंदें इसकी घूम रही हैं। आतिफ नवाज ने लिखा, 5 विकेट्स बिफोर लंच ऑन हिज टेस्ट डेब्यू अ ड्रीम स्टार्ट टू हिज कैरियर, व्हाट अ टैलेंट, टेक अ बाउ इब्रार अहमद। लंच से पहले ही 5 विकटें कंप्लीट करना ये एक आलमी रिकॉर्ड बन चुका है और ये रिकॉर्ड सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने अपने नाम किया है। इससे पहले बड़े स्पिनर्स आए, यानी सईद अजमल से लेकर आपके अब्दुल कादिर से लेकर यासिर शाह से लेकर बड़े बड़े स्पिनर्स आए हैं, पर इस जैसा स्पिनर नहीं आया जिसने पहले ही सेशन के अंदर 5 विकटें कंप्लीट की। आउटस्टैंडिंग है, यानी शदाब खान कह रहे हैं कि इस जैसा बॉलर मैंने पहले नहीं देखा और वेल डन यंग मैन, वो तारीफ़ करें, इनकी पूरी दुनिया से लोग तारीफ़ करें, तारीफ़ बनती भी है। पहली आपका सेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि आप काफ़ी प्रेशर में होते हैं, पहला मैच हो, आप यंग हो, 20-22 साल के हों। और एक और रिकॉर्ड, इब्रार अहमद इज़ द फर्स्ट बॉलर इन पाकिस्तान टेस्ट हिस्ट्री टू टेक 5 विकेट्स इन द फर्स्ट सेशन ऑन टेस्ट डेब्यू। इब्रार अहमद पहले बॉलर बने हैं पाकिस्तान टेस्ट हिस्ट्री के जिन्होंने 5 विकेटें कंप्लीट की हैं पहले सेशन में ही। ये आउटस्टैंडिंग है, यानी जैक क्रॉले को आउट करना, ओले पॉप को आउट करना, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है रूट को आउट करना, ब्रोक को आउट करना, ये वो बॉलर्स, ये वो बैट्समैन इंग्लैंड के जिनको पाकिस्तानी बॉलर्स, यहाँ तक के शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, इन जैसे बॉलर भी इनको आउट करते हुए काफ़ी घबरा रहे थे पहले टेस्ट मैच के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी टीम के लिए ये सैड सीन थे कि पहला टेस्ट मैच हम अपनी बॉलिंग की वजह से हमारे, क्योंकि बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा हमें लेट डाउन किया था। अब इब्रार अहमद ने जो ये जादूगरी दिखाई है, यानी जादूगर बन चुके हैं, इनकी समझ ही नहीं आ रही कि इन स्विंग कर रहे हैं, आउट स्विंग कर रहे हैं। मिस्ट्री स्पिनर हैं, मिस्ट्री आप जानते हैं कि वैसे भी हर किसी को समझ नहीं आती, और ये मिस्ट्री स्पिनर पाकिस्तान के शायद कई सालों बाद पाकिस्तान ज़मीन पे पैदा हुए हैं। सो एक और निशानी है कि पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर के अंदर काफ़ी बेहतर होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर ODI वर्ल्ड कप इंडिया में है। सो इंडिया के अंदर मिस्ट्री स्पिनर यानी इब्रार अहमद काफ़ी चलने वाले हैं, क्या इनको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इब्रार अहमद को लाइक कीजिएगा।